आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सेवई की एक ऐसी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एक अलग स्वाद के साथ, जिसको आप ब्रेकफास्ट में और बच्चों के लंच के लिए आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ मैंने सेवई ले ली है, इनको मैंने अच्छी तरीके से घी में सेक के रख लिया है ताकि हम जब चाहें तब इन्हें बना सकें। आप इस तरीके से सेवई को सेक कर रख सकते हैं घी या तेल में या बटर में, जिसमें भी आप सेकना चाहें उसमें। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उस पैन में मैंने सेवई को डाल दिया है। इनको हम बॉयल करेंगे, जैसे हम नूडल्स को बॉयल करते हैं उसी तरीके से हमें बॉयल करना है। मैंने सेवई को एक पैन में डाल दिया है। अगर आप सेवई को इस टाइम भी सेकना चाहें तो आप सेक कर भी इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी सेक कर रखी हुई है ताकि मैं इनसे इन्हें बना सकूं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि हमें इस सेवई को उबालना है, तो आप पानी इसमें अच्छे से डाल दें उबालने के लिए। इसमें मैंने नमक डाल दिया है। इसमें हम घी तेल का यूज़ नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी सेवई है वो अच्छी तरीके से मैंने इन्हें सेक लिया था, तो ये आपस में चिपकेगी नहीं। ये देखिए अच्छी तरीके से ये उबल गई हैं, हमें इन्हें अच्छी तरीके से उबालना है। तो हम इन्हें 2 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से उबालते रहेंगे। आप बीच बीच में इन्हें चेक करते रहें और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें उबालते रहना है। ये देखिए जो सेवई है वो हमारी अच्छी तरीके से उबल गई है, मैंने चेक कर लिया है। आप इसी तरीके से इन्हें चेक कर सकते हैं। अब हम इनको निकाल देंगे, इनका पानी जो है हम छन्नी की सहायता से इन्हें निकाल देंगे ताकि पानी इनका जो है निकल जाए और ये ठंडी हो जाए। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। हाँ, मैंने 1 चम्मच तेल का यूज़ किया है। तेल को हम गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। आप चाहें तो राई का यूज़ भी कर सकते हैं, आप जिसका तड़का लगाना चाहें उसका तड़का इसमें लगा सकते हैं। जीरा जैसे ही गर्म हो जाएगा मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। मैंने यहाँ 7 से 8 कड़ी पत्ता इसमें डाल दिए है फ्रेश। 1 हरी मिर्ची डाल दी है छोटी सी काट कर। 1 प्याज ले लिया है जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसको भी हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तेल बिल्कुल मैंने जरा सा यूज़ किया है, इसलिए गैस की फ्लेम को लो रखकर मैं इसी तरीके से प्याज को सेकती रहूँगी। आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हम ज़्यादा ना करें, नहीं तो जो प्याज है वो हमारी जल जाएगी और प्याज का जो क्रिस्पीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए प्याज जो है वो हम इसी तरीके से सेकते रहेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और इसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया है बारीक चॉप करके, इसको भी हम इसी तरीके से सेकते रहेंगे। प्याज और टमाटर को हमें एक साथ सेकना है। पहले हम प्याज को थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को हम वही लो टू मीडियम रखेंगे। मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं, यहाँ मैंने सफल मटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो मटर ना डालना चाहें तो ना डालें, और वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से, हमने थोड़ा सेवई में भी रखा था, थोड़ा मैंने इस टाइम भी इसमें नमक ऐड कर दिया है मसालों के हिसाब से, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है। थोड़ी सी यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है कलर के लिए, आप चाहें तो मिर्ची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट के लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच सेजवान चटनी डाल दी है, इससे इसका जो टेस्ट है दोस्तों बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो मैगी मसाला का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप सेजवान चटनी के साथ बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर मैंने मसालों को अच्छी तरीके से सिकने दिया है ताकि इनमें जरा भी कच्चापन ना रहे। अब हमने इसमें अपनी सेवई को डाल दिया है जो कि हमने उबाल ली थी और जिनको हमने छान कर रख लिया था ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए। इनको हम लो फ्लेम पर इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं और हमारा जो सेजवान मसाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें और भी मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पेरी पेरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो आप उस टाइप का इसे बना सकते हैं। तो आपको एक फ्लेवर की मैगी कभी खानी नहीं पड़ेगी, मैगी भी कह सकते हैं इसको, आप नूडल्स भी कह सकते हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए अक्सर घर पर यही बना देते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने अपने बचपन में मेरी मम्मी यही मैगी कहकर बनाती थी कि मैगी बना रही हूँ, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। आपको ये सेवई बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि आप बार बार बाजार की मैगी नहीं ला सकते या नहीं हमें बच्चों के लिए हेल्दी भी नहीं होती इसलिए हम उन्हें नहीं खिलाते। तो आप इस तरीके से घर की बनी हुई सेवई से आप इन्हें बना सकते हैं। इस तरीके से हम सेवई बनाकर घर में स्टोर कर सकते हैं और इन्हें जब चाहे तब मैगी की तरह बना सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से धनिया मिक्स करके और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी चटपटी जो सेवई है वो बनकर तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी भी लगती है और डिफरेंट फ्लेवर के साथ दोस्तों आप इन्हें पसंद कर सकते हैं।
ये देखिए हम इनको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। आप सेवई को सर्व कीजिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, खाने में बहुत ही अच्छी। और ये आटे से बनी हुई सेवई सेवई है तो हेल्दी भी बहुत है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें नित्या मॉम्स किचन को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्राई ज़रूर करें, पहले ट्राई करें फिर मुझे कमेंट करें और लाइक करें मेरी रेसिपीज़ को। रेसिपी को दोस्तों आप एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगली रेसिपी में, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करें, बिना ट्राई किए ना आप कमेंट करें ना लाइक करें, एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट रेसिपी में, थैंक यू। देखते रहें नित्या मॉम्स किचन को, देखते रहिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।